बीजेपी का सबसे गरीब मंत्री जिसे बताकर मीडिया वाहवाही बटोर रही है, आज उस मंत्री के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको भौचक्की कर देंगी। सादगी के लिए चर्चित मोदी सरकार के मंत्री प्रताप चंद सारंगी के खिलाफ वेमेंस बढ़ाने के 7 मामले हैं। बीजेपी के सभी मंत्री या बीजेपी के अंधभक्त मिलकर बीजेपी के एक प्रताप चंद सारंगी की फोटो शेयर कर रहे हैं, वो नलके पे नहाते हुए या साइकिल चलाते हुए बड़ी सादगीपूर्ण जीवन दिखाया है, लेकिन उनके जीवन का काला सच आज हम आपको बताते हैं। श्री पीएम मोदी जी की नई कैबिनेट में जिस शख्स के नाम पर खूब चर्चा है वो है ओडिशा के सांसद प्रताप चंद सारंगी। ओडिशा में मोदी के नाम से प्रताप चंद सारंगी ने जब शपथ ली तो तालियों की गड़गड़ाहट से राष्ट्रपति भवन परिसर गूंज पड़ा। अपनी सादगी के लिए जाने माने सारंगी की पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी तालियां जमकर बजाई। हौसले अफजाई के लिए हालांकि प्रताप चंद सारंगी का नाम कई आपराधिक मामलों में आ चुका है, साइकिल पर चलते हैं, सादगी जीवन दिखाते हैं, नलके से भी नहाकर पानी को खुद ही नहाते हैं। चुनाव सुधार पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल इलेक्शन वॉच ऑफ द ADR एसोसिएट फॉर्म डेमोक्रेसी रिफॉर्मर के मुताबिक सारंगी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने आपराधिक मामले अन्य धाराओं में कुल 7 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि प्रताप चंद सारंगी को सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री और पशुपालन डेयरी पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। विश्लेषण के मुताबिक सारंगी पर जो 7 मामले दर्ज हैं उनमें से 7 गंभीर धाराएं हैं। प्रताप चंद सारंगी 64 वर्षीय हैं, मोदी कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्री कहे जाते हैं, वह अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि सारंगी ने सभी साधु बनना चाहा था और वह एकांत जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उनका समाज के प्रति समर्पण और जन सेवा का भाव उनको मोंती मंदिर में लेकर आ गया। जब आज तक की टीम ने उनसे पूछा कि आप अब साइकिल से ही जाएंगे या कार से जाएंगे, तो उनका बोलना था कि सादगी जीवन तो बहुत बिता लिया, अब हम कार भी इस्तेमाल करेंगे और साइकिल भी इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की सोच RSS मनुवादियों की तरह सोच है। RSS और बजरंग दल जैसी सोच रखने वाले ही लोग बीजेपी में जा सकते हैं। ये थी प्रताप चंद सारंगी के असली चेहरे की सच्चाई, जो मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है कि सबसे बड़े गरीब मंत्री हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।